नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। और हम पढ़ रहे हैं द बुक ऑफ मीरदाद, और आज हम पढ़ने वाले इसका अध्याय 9, जिसका शीर्षक है कि आपका हर कर्म आकाश में अंकित होता है। पीड़ा मुक्त जीवन का मार्ग क्या आप जानना चाहते हैं? मिकास्तर कहता है, हमें मार्ग दिखाओ। मीरदाद कहते हैं, ये है चिंता और पीड़ा से मुक्ति का मार्ग। क्या मार्ग दिखा रहे हैं मीरदाद हमें? इस तरह सोचो मानो तुम्हारे हर विचार को आकाश में अंकित होना है, ताकि उसे हर प्राणी हर पदार्थ देख सके, और वास्तव में वह अंकित होता भी है। इस तरह बोलो मानो सारा संसार केवल एक ही कान है, जो तुम्हारी बात सुनने के लिए उत्सुक है, और वास्तव में वह उत्सुक है भी। इस तरह कर्म करो मानो तुम्हारे हर कर्म को पलटकर तुम्हारे सर पर आना है, और वास्तव में वह आता भी है। इस तरह इच्छा करो मानो तुम स्वयं इच्छा हो, और वास्तव में तुम हो भी। इस तरह जियो मानो स्वयं तुम्हारे प्रभु को अपना जीवन जीने के लिए तुम्हारी आवश्यकता है, और वास्तव में उसे आवश्यकता है भी। हिम्बल कहता है कि और कब तक तुम हमें उलझनों में रखोगे मीरदाद? तुम हमसे ऐसे बातें करते हो जैसे कभी किसी व्यक्ति ने ना की हो, ना हमने से किसी ने किताब में पढ़ी है। बैनून, बताओ तुम कौन हो, ताकि हम जान सकें कि तुम्हारी बात हम किस कान से सुने। यदि तुम ही नूह की नौका में गुप्त रूप से चढ़ने वाले व्यक्ति हो, तो हमें इसका कोई प्रमाण दो। मीरदाद कहते हैं, ठीक कहा तुमने बैनून, तुम्हारे बहुत से कान हैं, इसलिए तुम सुन नहीं सकते। यदि तुम्हारा केवल एक ही कान होता जो सुनता और समझता, तो तुम्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता ना होती। बैनून कहते हैं कि नूह की नौका में गुप्त रूप से चढ़ने वाले व्यक्ति को संसार के बारे में निर्णय करने के लिए आना चाहिए, और हम नौका के निवासियों को भी निर्णय करने में उसके साथ बैठना चाहिए। क्या हम निर्णय दिवस की तैयारी करें? और अध्याय 9 यही समाप्त हो जाता है। क्योंकि यह अध्याय बहुत छोटा है, तो अगला अध्याय भी हम इसी में कंटिन्यू रखेंगे। तो अगले अध्याय पे चलते हैं, अध्याय नंबर 10। इसमें बताया गया है कि यह संसार गवाहियों के लिए नहीं, प्रेम बिखेरने के लिए है। निर्णय तथा निर्णय दिवस। मीरदाद कहते हैं कि मुझे कोई निर्णय नहीं देना है, देना है केवल दिव्य ज्ञान। मैं संसार में निर्णय देने नहीं आया, बल्कि उसे निर्णय के बंधन से मुक्त करने आया हूँ, क्योंकि केवल अज्ञान ही न्यायाधीश की पोशाक पहनकर कानून के अनुसार दंड देना चाहता है। अज्ञान का सबसे निष्ठुर निर्णायक स्वयं अज्ञान है। मनुष्य को ही लो, क्या उसने अज्ञानवश अपने आप को चीर कर दो नहीं कर डाला, और इस प्रकार अपने लिए तथा उन सब पदार्थों के लिए जिनसे उसका खंडित संसार बना है, उसने मृत्यु को निमंत्रण नहीं दिया है? मैं तुमसे कहता हूँ, प्रभु और मनुष्य अलग नहीं है, केवल है प्रभु मनुष्य या मनुष्य प्रभु, वे एक हैं। उसे चाहे जैसा गुणा करें, चाहे जैसे भी भाग दें, वे सदा एक हैं। प्रभु का एकत्व उसका स्थायी विधान है, यह विधान स्वयं लागू होता है। अपनी घोषणा के लिए या अपना गौरव तथा सत्ता बनाए रखने के लिए इसे न न्यायालय की आवश्यकता है, न न्यायाधीश की। संपूर्ण ब्रह्मांड जो दृश्य है और जो अदृश्य है, एकमात्र सुख है जो निरंतर इसकी घोषणा कर रहा है। उनके लिए जिनके पास सुनने के लिए कान है, सागर चाहे वह विशाल और गहरा है, क्या एक बूंद नहीं? धरती चाहे वह इतनी दूर तक फैली है, क्या एक ही ग्रह नहीं? इसी प्रकार संपूर्ण मानव जाति एक ही मनुष्य है। इसी प्रकार मनुष्य अपने सभी संसारों सहित एक पूर्ण इकाई है। प्रभु का एकत्व मेरे साथियों अस्तित्व का एकमात्र कानून है। इश्क दूसरा नाम है प्रेम। इसे जानना और स्वीकार करना जीवन को स्वीकार करना है। अन्य किसी कानून को स्वीकार करना अस्तित्वहीनता या मृत्यु को स्वीकार करना है। जीवन निरंतर में सिमटना है, मृत्यु बाहर बिखर जाना, जीवन जुड़ना है, मृत्यु टूट जाना। इसलिए मनुष्य जो दैत्यवादी है, दोनों के बीच लटक रहा है, क्योंकि सिमटेगा वह अवश्य किंतु बिखर कर ही।
और जुड़ेगा वे अवश्य, किंतु टूटकर ही। सिमटने और जुड़ने में वह कानून के अनुसार आचरण करता है और जीवन होता है उसका पुरस्कार। बिखरने और टूटने में वह कानून के विरुद्ध आचरण करता है और मनुष्य होता है उसका कटु परिणाम। फिर भी तुम अपनी दृष्टि के दोषी हो, उन मनुष्यों पर निर्णय देने बैठते हो जो तुम्हारी ही तरह अपने आप को दोषी मानते हैं। कितने भयंकर है निर्णायक और उनके निर्णय। निसंदेह इससे कम होंगे मृत्यु दंड के दो अभियुक्त जो एक दूसरे को फांसी की सजा सुना रहे हों। कम हास्यजनक होंगे एक ही जुए में जुते दो बैल जो एक दूसरे को जोतने की धमकी दे रहे हों। कम घृणित होंगे एक ही कब्र में पड़े दो शव जो एक दूसरे को कब्र के योग्य ठहरा रहे हों। कम दयनीय होंगे दो निपट अंधे जो एक दूसरे की आंखें नोच रहे हों। न्याय के हर आसन से बचो मेरे साथियों, क्योंकि किसी भी व्यक्ति या वस्तु पर फैसला सुनाने के लिए तुम्हें ना केवल उस कानून को जानना होगा और उसके अनुसार जीवन बिताना होगा, बल्कि गवाहियां भी सुननी होंगी। और किसी भी विचारधीन मुकदमे में तुम गवाही किनकी सुनोगे? क्या तुम वायु को न्यायालय में बुलाओगे? क्योंकि आकाश के नीचे जो कुछ भी होता है वायु उसके होने में सहायक और प्रेरक होती है। या फिर तुम सितारों को तलब करोगे? क्योंकि संसार में जो भी घटनाएं घटती हैं सितारे उनके रहस्यों से परिचित होते हैं। या फिर तुम आदम से लेकर आज तक के प्रत्येक मृतक को न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश जारी करोगे? क्योंकि सब मृतक जीने वालों में जी रहे हैं। किसी भी मुकदमे में पूरी गवाही प्राप्त करने के लिए ब्रह्मांड का गवाह होना आवश्यक है। जब तुम ब्रह्मांड को न्यायालय में बुला सकोगे तुम्हें न्यायालय की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। तुम न्यायासन से उतर जाओगे और गवाहों को न्यायाधीश बना दोगे। जब तुम सब कुछ जान लोगे तो किसी के विषय में निर्णय नहीं दोगे। जब तुम्हारे अंदर संसारों को एकत्र करने का सामर्थ्य पैदा हो जाएगा तब तुम जो बाहर बिखर गए हैं उनमें से एक को भी अपराधी नहीं ठहराओगे, क्योंकि तुम जान लोगे कि बिखरने वाले को उसके बिखराव ने ही अपराधी घोषित कर दिया है। और अपने आप को दोषी मानने वाले को दोषी ठहराने की बजाय तुम उसे उसके दोष से मुक्त करने का प्रयत्न करोगे। इस समय मनुष्य अपने ऊपर स्वयं लादे हुए बोझ से बुरी तरह दबा हुआ है। उसका रास्ता बहुत ऊबड़ खाबड़ या टेढ़ा मेढ़ा है। हर फैसला जज और अभियुक्त दोनों के लिए समान रूप से एक अतिरिक्त बोझ होता है। यदि तुम अपने बोझ को हल्का रखना चाहते हो तो किसी के विषय में फैसला करने ना बैठो। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा बोझ अपने आप उतर जाए तो शब्द में डूब कर सदा के लिए उसमें खो जाओ। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा मार्ग सीधा तथा समतल हो तो दिव्य ज्ञान को अपना मार्गदर्शक बना लो। मैं तुम्हारे पास निर्णय लेकर नहीं दिव्य ज्ञान लेकर आया हूँ। बैनून कहते हैं, निर्णय दिवस के विषय में तुम क्या कहते हो? मीरदाद, हर दिन निर्णय दिवस है बैनून। पलक की हर झपक पर हर प्राणी के कर्मों का हिसाब किया जाता है। कुछ छिपा नहीं रहता, कुछ अंतुला नहीं रहता। ऐसा कोई विचार नहीं है, कोई कर्म नहीं है, कोई इच्छा जो विचार, कर्म या इच्छा करने वाले के अंदर अंकित ना हो जाए। संसार में कोई विचार, कोई इच्छा, कोई कर्म फल दिए बिना नहीं रहता। सब अपनी विधा और प्रकृति के अनुसार फल देते हैं। जो कुछ भी प्रभु के विधान के अनुकूल होता है जीवन से जुड़ जाता है, जो कुछ उसके प्रतिकूल होता है मृत्यु से जा जुड़ता है। सब दिन एक समान नहीं होते बैनून। कुछ शांतिपूर्ण होते हैं, वे होते हैं ठीक तरह से बिताई गई घड़ियों के फल। कुछ बादलों से घिरे होते हैं, वे होते हैं मृत्यु में अर्ध सुप्त या जीवन में अर्ध जागृत अवस्था में बिताई गई घड़ियों का उपहार। कुछ और होते हैं जो तूफान पर सवार आंखों में बिजली की कौंद और नथनों में बादल की गरज लिए तुम पर टूट पड़ते हैं। वे ऊपर से तुम पर प्रहार करते हैं, वे धरती पर तुम्हें सपाट गिरा देते हैं और विवश कर देते हैं तुम्हें धूल चाटने पर और ये चाहने पर कि तुम कभी पैदा ही ना हुए होते। ऐसे दिन होते हैं जानबूझकर विधान के विरुद्ध बिताई गई घड़ियों का फल। संसार में भी ऐसा ही होता है। इस समय आकाश पर छाए हुए साए उन सायों से रत्ती भर भी कम अमंगल सूचक नहीं है
जो जल प्रलय के अग्रदूत बनकर आए थे। अपनी आंखें खोलो और देखो, जब तुम वायु के घोड़ों पर सवार बादलों को उत्तर की ओर जाते देखते हो तो कहते हो कि ये तुम्हारे लिए वर्षा लाते हैं। इंसानी बादलों के रुख से ये अंदाजा लगाने की कि वे क्या लाएंगे, तुम इतने बुद्धिमान क्यों नहीं हो? क्या तुम देख नहीं सकते कि मनुष्य कितनी बुरी तरह से अपने जालों में उलझ गए हैं? जालों में से निकलने का दिन निकट है और कितना भयावह है वह दिन। देखो कितनी सदियों के दौरान मन और आत्मा की नसों से बुने गए हैं मनुष्य के ये जाल। मनुष्य को उनके जालों में से खींच निकालने के लिए उनके मांस तक को फाड़ना पड़ेगा, उनकी हड्डियां तक को कुचलना पड़ेगा, और मांस को फाड़ना और हड्डियों को कुचलने का काम मनुष्य स्वयं ही करेंगे। जब ढक्कन उठाए जाएंगे, जो उठाए अवश्य जाएंगे, और जब बर्तन बताएंगे कि उनके अंदर क्या है, जो वह निस्संदेह बताएंगे, तब मनुष्य अपने कलंक को कहाँ छिपाएंगे और भागकर कहाँ जाएंगे? जीवित उस दिन मृतकों से ईर्ष्या करेंगे और मृतक जीवितों को कोसेंगे। मनुष्य के शब्द उनके कंठ में चिपक कर रह जाएंगे और प्रकाश उनकी पलकों पर जम जाएगा। उनके हृदय में से निकलेंगे नाग और बिच्छू, और ये भूल कर कि उन्होंने स्वयं अपने हृदय में इन्हें बसाया और पाला था, वे घबरा कर चिल्ला उठेंगे, कहाँ से आ रहे हैं ये नाग और बिच्छू? अपनी आंखें खोलो और देखो, ठीक इसी नौका के अंदर जो ठोकरें खा रहे संसार के लिए आलोक स्तंभ के रूप में स्थापित की गई थी, इतनी दलदल है कि तुम उसे किसी भी तरह से पार नहीं कर सकते। यदि आलोक स्तंभ ही फंदा बन जाए तो उन यात्रियों की कैसी भयंकर दशा होगी जो समुद्र में है। मीरदाद तुम्हारे लिए एक नई नौका का निर्माण करेगा, ठीक इसी नीड़ के अंदर वह उसकी नींव रखकर उसे खड़ा करेगा। इस नीड़ में वह उड़कर तुम मनुष्य के लिए शांति का संदेश लेकर नहीं, अनंत जीवन लेकर संसार में जाओगे। उसके लिए अनिवार्य है कि तुम विधान को जानो और उसका पालन करो। जमोरा कहते हैं कि हम मनुष्य के विधान को कैसे जानेंगे और कैसे करेंगे उसका पालन? संसार में हम प्रेम सीखने आए हैं, और यहाँ हमारा अध्याय 10 समाप्त होता है। मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार एंड गुड बाय।